सो है गाइज वेलकम बैक दिस इज़ अनमोल शुक्ला एंड ए वेरी वॉम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद मी एच आर एम की एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में यानी कि एक फ्लो चार्ट की मदद से कुछ स्टेप्स हैं सेवन स्टेप्स हैं उनकी मदद से हम एक पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं क्या क्या हमें करना पड़ता है एज अ बिजनेस सो so, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये सिग्निफिकेंस देखें इसका एच के लिए तो है ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही एक जनरल स्टडी के लिए और जनरल नॉलेज के लिए भी आई कैन से अगर आप कल को बिजनेस में जाओगे किसी एंटिटी में काम करोगे किसी एंटरप्राइज में काम करोगे सो फॉर दैट ऑल्सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्रोसेस द फ्लो ऑफ वी कैन से द स्टेप्स द सीरीज ऑफ स्टेप्स

वो ये है कि भाई आपको अपने करंट बिजनेस को डिफाइन करना है सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्टेप वन इज यू नीड टू डिफाइन योर करंट बिजनेस नाट्स अ वेरी लॉजिकल प्लेस टू स्टार्ट विद लाइक सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई आपका बिजनेस किस बारे में डील करेगा लाइक वॉट आर वॉट आर दो प्रोडक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू सेल वॉट आर वॉट आर दो सर्विसेज दैट यू गो प्रोवाइड तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने वाले हो किस तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड करने जा रहे हो कौन होगी आपकी टारगेट ऑडियंस ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू टारगेट एवरी वन सो यू विल टारगेट सम स्पेसिफिक ऑडियंस सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि भाई आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है कहाँ पर आपको सेल करना है एंड हाउ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स लाइक बेसिकली हाउ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट क्योंकि आज एक ही प्रोडक्ट के Does brand so how your product differentiates from other products?

थ एंड वीकनेस ऑफ यूर कंपनी हर कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ होती है कुछ वीकनेसेस होती हैं कुछ खूबियां होती हैं कुछ कमियां होती हैं एंड यू मस्ट भी अवेयर अबाउट योर कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है क्योंकि जब इन्हीं स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम मैच करेंगे कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को जब मैच करेंगे विदर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स तो कहीं ना कहीं हमें अंदाजा लगेगा और हम अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी बना पाएंगे अपने बिजनेस के लिए तो इट वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेज process, so you need to perform external and internal audits, कि uh, whether we are heading towards uh, the right direction or not, and that's a very important thing to ask for. so for that you need to perform external and internal audits. so second step में आपको external और internal audits करने हैं और उनसे समझना है कि भाई क्या वो चीजें हैं जो आपको अलग बना रही हैं क्या वो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है आपकी कंपनी का जो आपको कॉम्पिटिटर से अलग बना रहा है कहीं ना कहीं जैसे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो है वो काफ़ी लगेगा आपको आपको बहुत सारी चीज़ों की इंफॉमेशन मिलेगी जब आप एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स के बारे में समझ रहे हो आप थ्रेड्स कई तरीके के हो सकते हैं रिसेशन हो सकता है कुछ मॉनिटरी रिलेटेड थ्रेड्स हो सकते हैं मार्केट ट्रेंड्स हो सकते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि भाई हमें इस जगह पर मूव करना है क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा है पॉलिटिकल ट्रेंड्स हो सकते हैं टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स ट्रेंड्स हो सकते हैं

वो आपको एक नई दिशा में लेके जाएगा सो एंड दैट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशल क्रुशियल स्टेप इन मैनेज इन इन दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कि भाई आप एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट्स को जितना हो सके उतना सटीक तरीके से और अच्छी तरीके से परफॉर्म करो क्योंकि इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक नई डायरेक्शन मिल जाने वाली है एक विजन स्टेटमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगी जस्ट बिकॉज उसने स्वाट एनालिसिस कर रखा होगा सो so, और यहीं से एक नई डायरेक्शन मिलेगी यहीं से मिशन जो है वो तैयार होंगे कही कहीं ना कहीं कंपनी के सो विजन स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट ये सारी चीजें तैयार होंगी आफ्टर दिस सेकेंड स्टेप इट्स दैट इज वंस यू परफॉर्म द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट्स थर्ड स्टेप में यू नीड टू फॉर्मुलेट यू विल फॉर्मुलेट ए न्यू डायरेक्शन दैट विल बेसिकली आप मिशन स्टेटमेंट विजन स्टेटमेंट क्रिएट करोगे नॉड यू अंडरस्टैंड बाई विजन स्टेटमेंट इन वेरी जनरल सेंस कि भाई आपका फॉर्म किस डायरेक्शन में जाएगा ये दिखाना ये आप विजन स्टेटमेंट के थ्रू दिखा दिखाना दिखाते हो कि भाई आपको अपनी कंपनी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है वॉट इट्स वैल्यूज आर बेसिकलीज वैल्यूज थ्रू विजन स्टेटमेंट्स इट मीन्स द इंटेंडेड डायरेक्शन ऑफ द फॉर्म इन ब्रॉडर टर्म्स कि भाई वो क्या बनना चाहती है कंपनी and when we talk about mission statement it's it's a little different from vision statement vision statement broad terms me explain karti hai ki bhai business kya banna chahta hai jabki mission statement jo kumri, company ka hota hai ye basically uske task बताता है कि भाई company क्या-क्या task करे in order to achieve its goal in long term so that's what mission statement is फोर्थ स्टेप इज the नीड टू ट्रांसलेट goals इन टू तैयार कर लिया करके आपने अपनी कंपनी का तैयार कर लिया विजन भी बना लिए अब अब आपको उस मिशन, मिशन तो चीज हो गई ना तो उन मिशन को पूरा करने के लिए आपका मिशन है कि भाई आपको पायलट बनना है अब ऐसे तो आप पायलट डायरेक्ट नहीं बन सकते कि आप डायरेक्ट जाके प्लेन उड़ाने लगो एंड यू आर पायलट नो यू है have to crack some exam for it so definitely it will take some time so once you have this in your mind kiba yapko pilot you so will set some small small goals for it you'll uh, you'll have some strategies built for it so definitely that's what the step four is once you formulate a new direction you will translate the mission into strategic goals डिपार्टमेंटल वाइज ये गोल्स जो है मैनेजर्स डिसाइड करेंगे कि भाई उन्हें ये अचीव ये ये चीज़ें अचीव करनी है जिसे ब्रॉडर सेंस में अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा सो इन इन द फोर्थ स्टेप आपको स्ट्रेट स्मॉल स्मॉल गोल्स में कन्वर्ट करना है अपने मिशन को और ये कंपनी और मैनेजर्स कंपनी uh, और मैनेजर्स करेंगे ये काम बेसिकली uh, कंपनी में मैनेजर्स करेंगे ये काम वी हैव मैनेजर्स वी हैव सीनियर मैनेजर्स उनके भी मैनेजर्स वी हैव समथिंग लाइक दिस सो ये हायर क्यों बनाई गई है ताकि मिशन पर अच्छी तरीके से काम हो पाए का और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपनी का पूरा हो पाए सो वंस यू फॉर्मुलेट दिस स्ट्रेटीज टू अचीव दिस स्ट्रैटी नाउ वंस यू हैव ट्रांसलेटेड दोज मिशन इन टू गोल्स इन द स्टेप फाइव यू विल फॉर्मार्मुलेट स्ट्रैटेजीज टू अचीव दैटेजिक गोल्स देखो कंफ्यूज मत होना फोर्थ स्टेप में हमने मिशन को स्ट्रैटेजिक गोल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी पाँचवें स्टेप में हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं उन स्ट्रेटजिक गोल्स को अचीव करने के लिए देर इज देर इज नॉट दैट मच डिफरेंस बिटवीन स्टेप फोर एंड स्टेप फाइव इन स्टेप फोर विच जस्ट ट्रांसलेटिंग द मिशन इनटू स्ट्रेटजिक गोल्स बिकॉज द कंपनी एंड मैनेजर्स नीड वी कैन सेज स्ट्रैटेजिक गोल्स इन द इन द फिफ्थ स्टेप मैनेजर्स जो है वो स्ट्रेटजीज चूज करेंगे कि भाई हमें इस तरीके से काम करना है तभी ये जो है वो टास्क कंप्लीट हो पाएगा सो द कोर्सेज ऑफ द एक्शन दैट हाउ थिंग्स गोना वर्क दैट्स वॉट दैट्स वॉट मीन्स वेन आई से स्टेप फाइव कि भाई फॉर्मुलेट करना है आपको स्ट्रैटेजीज को टू अचीव दीज स्ट्रैटेजिक गोल्स that is you need to work on task you need to work on those goals you need to make strategies so that ki things jo hai wo aasani se kaam kare aur cheeze achieve ho paaye so once you once you once you're done with this step the sixth step is that you need to implement these strategies ki bhaiya strategies bana li हमने goals को पूरी करने के लिए अब हम उन strategies को implement करेंगे उनको execute करेंगे दैट इज अभी तक तो बातें सिर्फ वर्ड्स के फॉर्म में चल रही थी थियोरेटिकल फॉर्म में चल रही थी अब वी आर एक्चुअली पुटिंग दो थिंग्स इंटू एक्शन तो मेन एक्शन वाला काम जब तक हम नहीं करेंगे कोई फायदा ही नहीं है सो इंप्लीमेंटिंग दी स्ट्रैटीज मीन यू आर एक्चुअली पुटिंग दो स्ट्रैटीज वट एवर यू हैव डिसाइडेड नाउ इंटू एक्शन एंड हाउ द कंपनी डू दिस कंपनी की मैनेजर जो है दे डू दिस बाई हायरिंग पीपल बिल्डिंग वी कैन से बिल्डिंग टीम्स मेकिंग सम प्रोजेक्ट्स फॉर देट पर्टिकुलर थिंग एंड बाई प्रोडक्ट लाइन्स और वी कैन से बाई एडिंग और एलिमिनेटिंग पीपल सम हाउ ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेजर्स करते हैं टू इम्प्लीमेंट दोज स्ट्रैटीज एक स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के बाद बात यहीं तक नहीं खत्म होती यू नीड टू चेक ऑल्सो कि भाई क्या परफॉर्मेंस रही कि भाई हमने इंप्लीमेंट तो कर दिया स्ट्रैटेजीज को परफॉर्मेंस क्या देखने को मिली यू नीड टू यू नीड टू इवेलुएट परफॉर्मेंस नाउ नाउ थिंग्स डोंट ऑलवेज टर्न आउट एज प्लान प्लान यू नीड टू चेक ऑल्सो कि भाई चीजें काम करी हैं या नहीं सो so, डेफिनेटली आपने कोई स्ट्रैटी आपने सोचा कुछ ब्रेन किया आपने कुछ लगाई वो स्ट्रैटजीज़ अब आप देखोगे ना कि भाई ये स्ट्रैटेजी काम कर भी रही है या नहीं कई बार स्ट्रेटेजीज काम नहीं करती सो so, आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या मे बी पूरी की पूरी 360 सिक्सटी डिग्री चेंजेस करने पड़े और स्ट्रेटजीज पूरी की पूरी बदलनी पड़े क्योंकि आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हैं मे बी आपको लॉस हो रहा है और सो डेफिनेटली यू नीड टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑल्सो कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने इम्प्लीमेंट करके छोड़ दिया So, performance evaluation is also very, very important. And that's how it works. This overall process. Hai. So, from, from the very first step to step five, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रही फिर सिक्स स्टेप में हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं इन द स्टेप सेवन सो दैट इज इट अबाउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस द सिंपल फ्लो चार्ट आई होप मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, uh, की है इन ईजी वर्ड्स अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन आल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाईज एज पॉसिबल सो दैट इज इट अबाउट टू लेक्चर विल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय